नमस्कार, मैं हूं नितिन भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा मुकाबला खेला जा रहा था और जिस तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज की टीम ने पहली पारी खेलकर कुल 165 रन बनाए थे और वहीं भारतीय टीम जब चेस करने आई तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हम सब हैरान हो गए और अब हमें चिंता सताने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। जब इंडियन टीम दोबारा चेस करने आई, रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की नई ओपनिंग जोड़ी भारत के लिए चेस करने मैदान पर उतरी और जब चेस करने मैदान पर ये जोड़ी उतरी थी तब 1.3 ओवर की गेंद पर रोहित शर्मा के पैर में कुछ खिंचाव आया और जिस खिंचाव की वजह से रोहित शर्मा को मैदान से बाहर जाना पड़ा। जी हाँ, ये खिंचाव इतना बड़ा है, मांसपेशियों में खिंचाव जो आया है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा और मैदान के बाहर जाना पड़ा। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा क्या वापसी करेंगे मैदान में इस मुकाबले में या वापसी नहीं करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा का ऐसे चोटिल हो जाना, खासतौर पर तब जब वर्ल्ड कप सामने है, जब एशिया कप सामने है, जब वो भारतीय टीम के खुद कप्तान है, ऐसे में टीम कप्तान को नहीं खोना चाहेगी। और रोहित शर्मा ने समझदारी दिखाते हुए ये निर्णय भी लिया कि देखिए मैंने गेंद खेली और उन्हें कुछ खिंचाव महसूस हुआ और उस खिंचाव महसूस होने के तुरंत बाद रोहित शर्मा मैदान छोड़कर बाहर चले गए। वो चाहते तो शायद खेल सकते थे लेकिन वो चोट को और गंभीर नहीं बनाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि चोट क्या वाकई में गंभीर है या सिर्फ थोड़ा सा एक दर्द है। लेकिन अगर ये चोट वाकई में गंभीर निकली तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा और एक कंसर्न बन जाएगा आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। अगर ये लंबी चोट निकली तो रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप भी मिस कर सकते हैं और ये आज की फिलहाल मैच की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि रोहित शर्मा की मांसपेशियों में खिंचाव। वहीं अगर बात करें खिंचाव से पहले रोहित शर्मा बड़े ही ताबड़तोड़ मूड में दिखे थे। उसी ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने छक्का और चौका लगाया था और 5 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे थे, जिससे लग रहा था कि रोहित शर्मा आज इंडिया को जीत जिताकर रहेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को खिंचाव आया और जिसकी वजह से वो बाहर चले गए मैदान से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर इसे अपना प्यार भेजना मत भूलेगा, साथ ही साथ कमेंट कर अपनी राय रखें रोहित शर्मा की चोट के ऊपर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।